हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने के लिए फाइनली हम लेके आए हैं वन प्लस का नॉर्ड CE4। ये फ़ोन हम लोगों ने परचेज़ किया वन प्लस स्टोर से और हम लोगों को ये मिला है बड्स 2R मिला था प्री बुक करने के बाद। ये 25,000 का पड़ा है फ़ोन हमको और हमने जो ये ग्रीन वाला कलर है लिया है और काफ़ी अच्छा कलर है, फ़ोन इन हैंड काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आज हम लोग इसको टेस्ट करने वाला देखने ये वाले हैं कि रियल लाइफ में जो है इसका कैमराज जो है, डिस्प्ले जो है, ये सब जो है कैसा परफॉर्म करता है। और ये फ़ोन जो है काफ़ी परफेक्ट फिट बैठता है अगर इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो। और इसके साथ हम लोग कंपेयर भी करने वाले हैं काफ़ी सारे फोन्स का, तो आप कमेंट करके भी ये भी बताना और कम्युनिटी पोस्ट में भी हम लोग डाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप पोल में डाल सकते हो कि आपको किसके किसके साथ कंपेयर इसका चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट भी आया हुआ है जिसमें कि कैमरा स्टेबिलिटी को लेकर बेटर एक्सपीरियंस होगा, वो भी अपडेट है। 586 MB का अपडेट है ये, इसके बाद हम लोग ये रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चूज़ करने में या कैमरा के फीचर्स बताते हैं किसी फ़ोन का, आपको किसी ने सपोर्ट करना है, हम लोग को आगे बढ़ने में कैसे करोगे वो आपको ऑलरेडी पता है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करके। और कुछ भी इस फ़ोन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्वेरी हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो इस वीडियो में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम सौरभ अनुराज और म्याओ वाला के नाम से वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात कि भाई इसमें प्रोसेसर जो मिलता है वो 7 Gen 3 मिल जाता है, UFS 3.1 के साथ आपको मिल जाएगा। और ये फ़ोन जो है काफ़ी इन हैंड अच्छा फील देता है, आप यूज़ करोगे बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो हमको काफ़ी अच्छा फील होगा, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि एकदम परफेक्ट गेमिंग फ़ोन है, ऐसा कुछ है, उसके लिए भाई काफ़ी सारा और फ़ोन है, पोको X6 प्रो वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डे टू डे लाइफ वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो इस फ़ोन का एक और चीज़ हमको काफ़ी बढ़िया लगा है वो है इसका बैटरी। भाई 5500 mAh का बड़ा बैटरी है इसमें आपको मिलता है, फिर भी लाइट वेट फ़ोन फील होता है, 100W का चार्जर बॉक्स में मिल जाता है। और इसका जो कवर है वो भी हमको काफ़ी अच्छा लगा, वन प्लस का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही बढ़िया रहता है, तो इन सब चीज़ों में आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें डिस्प्ले का, क्योंकि आप सारा दिन तो उसी में काम करते हो, तो डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ का सपोर्ट है, हाई ब्राइटनेस मोड में ये 600 nits का पीक ब्राइटनेस देता है, और पीक ब्राइटनेस मोड में मतलब HDR मोड में आपको 1100 nits का पीक ब्राइटनेस देगा ये। कहीं ना कहीं हम बोले तो डे टू डे लाइफ में हमको कहीं भी ऐसा कुछ मेजर कंसर्न देखने को नहीं मिला। इस सेगमेंट में और भी फोन्स हैं जो इससे बेटर ब्राइटनेस वगैरह दे देंगे, लेकिन इसका भी ब्राइटनेस जो है इनफ है, डे टू डे लाइफ में आप कितना भी यूज़ करोगे, आउटडोर में यूज़ करोगे, तो हमको कुछ मेजर कंसर्न वाला चीज़ हमको कहीं पे नहीं दिखा, ब्राइटनेस इनफ है। हाँ, बहुत एक्सट्रीम धूप वगैरह है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में मिल जाता है आपको एंड्रॉयड 14 और ये आप ओ डायलर वगैरह डाल के इसको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ इनेबल कर सकते हो। वैसे आपको इसमें ब्लोटवेयर्स भी मिल जाएगा और इसमें ऑक्सीजन OS है, तो आप इसमें बहुत सारा ऐप्स जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ये अच्छा चीज़ लगा हमको। बहुत सारे फोन्स में है कि डिसेबल भी नहीं होता है। तो अगर बात करें भाई कैमराज का, क्योंकि भाई कैमरा में ही ज़्यादा कुछ करने के लिए आपको मिलता है, यहाँ पे वन प्लस ने पहली बार यूज़ किया है सोनी LYT 600 सेंसर को, OIS है इसमें, 1/2 इंच का सेंसर है, ये नया सेंसर आया है, 26mm का वाइडर व्यू रखता है, ऑटो फोकस है, F1.8 अपर्चर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि सोनी का ये नया वाला सेंसर जो है तो अच्छा स्पेक्स वाइज नॉर्मल यूजर्स के लिए। वैसे आपको इस सेगमेंट में एक दो फोन्स और हैं जो इससे बड़ा सेंसर देते हैं, इससे ज़्यादा बेटर सेंसर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन OS के साथ वन प्लस कितना कुछ सुधार पाया है वो फिलहाल टेस्ट करते हैं। फिलहाल इसका शटर लैग देखते हैं, ये कैमरा ओपन हुआ, फोटो मोड एंड यहाँ पे स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, आप देख सकते हो क्लिक करने के काफ़ी देर बाद ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो यहाँ पे शटर लैग आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो मिलने वाला है, प्रोसेसिंग जो है वो स्लो है इस फ़ोन का। देखते हैं कितना फ़ोटोज़ क्लिक कर पाया है, यहाँ पे हम कैमरा बंद किए हैं तब जाके शटर का आवाज़ आया एक बार। भाई आप देख सकते हो मतलब इतने देर में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 12 फोटोज़, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन में शटर लैग मिलेगा, इस चीज़ में आप बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर नॉर्मल फोटोज़ आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं करेगा, पहले हमको ये चीज़ बता दें। सिचुएशन अलग होता है जहाँ पे बूस्ट करता है, डिटेलिंग्स वगैरह जो भी है फोटोज़ का वो बहुत ही बढ़िया निकल जाता है, अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। लेकिन अगर धूप में आप ग्रीन वगैरह क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बूस्टेड कलर्स मिलेगा, स्काई भी ब्लू थोड़ा ज़्यादा करता है, ये सब चीज़ आपको दिख जाएगा। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी कलर्स जो है ठीक ठाक मेंटेन करता है, उसमें भी कोई इशू नहीं बोलेंगे। अगेंस्ट द लाइट आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो वो भी बहुत बढ़िया डायनेमिक रेंज जो है मेंटेन करता है, कोई फेस चिकना करने वाला चीज़ हमको नहीं दिखाता। और लो लाइट का भी फोटोज़ है, अच्छे डिटेलिंग के साथ निकलता है। हाँ, ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत लंबा शटर नहीं लेता है, तो बहुत डार्क वाले सिचुएशन में आप फोटोज़ बहुत अच्छा नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, नॉइज़ लेवल जो है कम है, डार्क रहेगा लेकिन नॉइज़ लेवल कम रहेगा, और फ्लैश के साथ लिया हुआ एक्सपोजर भी जो है बहुत बढ़िया निकल के आता है। अल्ट्रा वाइड का बात करें तो ये सेम 8 MP का सोनी IMX355 वाला अल्ट्रा वाइड है, जिसमें आपको ऑटो फोकस नहीं मिलेगा, कुछ मेजर सेटिंग्स नहीं मिलेगा, F2.2 अपर्चर के साथ आता है। बट अच्छी बात है जैसे कि IQ Z9 ये सब जो T3 फोन्स में है वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, तो स्टिल आपको इसमें दिया गया है। तो फिलहाल इसका टेस्ट करते हैं कि काम कितना करता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वगैरह कहीं पे भी,
तो आप 8 मेगापिक्सल से जो एक्सपेक्ट कर सकते हो काम चलाओ फोटोज़, मतलब कि सोशल मीडिया पे आप डाल वगैरह सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगेंस्ट द लाइट वगैरह आप फोटो लो, धूप में फोटोज़ लो, सब बढ़िया निकल के आता है, डिटेलिंग ठीक ठाक है। सेंटर के साइड आप जितना भी बढ़ोगे डिटेलिंग अच्छा निकलेगा, कॉर्नर पर आपको डिटेलिंग नहीं मिलता है, डायनेमिक रेंज ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, उसमें मेजर कोई कंसर्न वाला चीज़ हमको नहीं दिखा। डे टाइम में आप जितना भी फोटोज़ लो अच्छा निकल के आएगा। प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा लो लाइट में आप जैसे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ पर नाइट मोड तो मिलता है, बट स्टिल हम ये बोलेंगे कि उतना बढ़िया डिटेलिंग वगैरह नहीं मिलने वाला है आपको। जो 13 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल वाला भी मिलता है वो उस लेवल का नहीं मिल पाएगा। एक्सट्रीम डार्क में तो बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा ये था कि आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वाइड और अल्ट्रा वाइड का जो कलर शिफ्टिंग एक्सपोजर शिफ्टिंग है वो आप चेक कर सकते हो। दोनों में ही आपको थोड़ा बहुत तो कलर शिफ्टिंग एक्सपोजर शिफ्टिंग जो है वो नोटिस करने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐसा अगर जूम का बात करेंगे तो फोटो मोड में ये 20x तक का डिजिटल जूम दे देता है। स्टेबल है, स्टेबल फील होता है। अच्छी बात यह है कि आप सिंगल हैंड यूज कर सकते हो, एक बार में 20x तक बहुत इजीली जा सकते हो। तो अगर आप जूम वगैरह करते हो तो 5x 10x तक आपको आराम से यूजेबल शॉट मिल जाएगा। मैक्सिमम जगहों पे 5x तक ही रहता है, कभी कभी आप 10x पे जा सकते हो। और 20x जो है कहीं से भी बहुत मेजर यूजेबल नहीं है, बस काम चलाओ कि है क्या वो देखने के लिए ही बस रह जाएगा। पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो सिंगल पोर्ट्रेट मोड आपको मिलेगा, कोई भी 2x डिजिटल ही नहीं दिया गया। आई होप कि 2x डिजिटल दिया जाता तो और बेहतर था। आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह मिल जाएगा, कंट्रोल वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रोसेसिंग में इसका कितना टाइम लगता है। ये हमने फोटो क्लिक किया और अभी तक इसको प्रोसेसिंग चल रहा है एंड अब जाके ये होता है। तो 4-5 सेकंड आपको लग जाता है प्रोसेसिंग टाइम में। थोड़ा सा सबसे ज़्यादा पसंद आया हमको इसका पोर्ट्रेट मोड, 2x दे देते तो और मज़ा आ जाता है। एज सिलेक्शन वगैरह में हमको बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं था, काफ़ी अच्छा फोटोज़ निकाल के देता है, ज़्यादा चिकना नहीं करता है और अगेंस्ट द लाइट ऑफ फोटोज़ वगैरह देख सकते हो। ये भी मतलब डिटेलिंग वगैरह बढ़िया मेंटेन करता है, डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया मेंटेन करता है, बोके बहुत अच्छा बनाता है, तो ये सब चीज़ अच्छा लगा। बस आपको लो लाइट में जो फोटोज़ है इस जगह पर हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे फ़ोन अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हमको कलर्स वगैरह डिटेल वगैरह अच्छा नहीं लगा। और अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है f2.4 अपर्चर के साथ। इसमें कोई ऑटो फोकस नहीं है, फिक्स्ड फोकस है। तो फ्रंट कैमरा का सेंसर बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो साइड बाई साइड दोनों ही फोटोज़ को, नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड, धूप में भी अच्छा एक्सपोजर बैलेंस करता है। फेस वगैरह पे अगर धूप पड़ता है तो भी, और अगेंस्ट द लाइट भी आप फोटोज़ लेते हो तो भी अच्छा डायनेमिक रेंज वगैरह मेंटेन करता है। इसका आई का डिटेलिंग वगैरह अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाता है। प्रोसेसर मतलब बढ़िया ऑप्टिमाइज़ किया गया है इस सेंसर के साथ, कहीं ना कहीं ये बोल सके तो अच्छा लगा फोटोज़। इवन लो लाइट में एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आप पोर्ट्रेट मोड में बस फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते हो, बाद बाकी फोटोज़ का जो क्वालिटी है वो बढ़िया निकल के आता है। फ्लैश जो है आपको सिर्फ प्राइमरी मतलब नॉर्मल मोड में फोटोज़ वगैरह लेते हो तभी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी एक्सपोजर जो है काफ़ी बढ़िया आपको निकल के आएगा। तो अगर कैमरा सेटिंग्स का बात करें तो कैमरा ओपन करो, काफ़ी फास्ट ओपन होता है। यहीं पे आपको टॉगल है 0.6x 1x और 2x का डिजिटली ये टॉगल दिया गया है। और आप जूम इन जूम आउट काफ़ी स्मूथ तरीके से कर सकते हो, स्टेबल भी फील होता है जूम में। ऊपर में आप जाओगे तो HDR ऑटो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, कुछ सेटिंग्स वगैरह ये सब जाने का ऑप्शन है। अगर आप सेटिंग में जाते हो तो वाटरमार्क ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। काफ़ी सारा सेटिंग्स जो है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, जनरली उसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ही आप छोड़ दो ज़्यादा बेटर है। ब्यूटी मोड है, ब्यूटी मोड अच्छी बात है कि जीरो पे ही रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं रहता। ऊपर में फ्लैश वगैरह का ऑप्शन है। वीडियो सेटिंग्स में आप जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस ऊपर में मिल जाएगा, जनरली जो मिलता है आपको रियलमी ओप्पो और वन प्लस के फ़ोन में। 4K 30fps का ऑप्शन है, 1080p 60fps का ऑप्शन है। सुपर स्टडी मोड, अगर अल्ट्रा स्टडी मोड में आप जाओगे तो 1080p 60fps तक का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे लेफ्ट साइड में अगर आप F में टैप करते हो तो ये पोर्ट्रेट वीडियो में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे देता है। सबसे लास्ट में आपको मिलता है प्रो मोड, प्रो मोड में ISO जो है 3200 तक का है। सटर ISO सब कुछ का कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो फोकस का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर रॉ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मोड सेटिंग्स में अगर आप आते हो तो नाइट मोड मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड 1x फ्रंट कैमरा सब में आपको नाइट मोड मिल जाएगा। ट्राइपॉड मोड भी है अगर आप ट्राइपॉड वगैरह पे यूज़ कर रहे हो तो। हाई रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरमा मोड है, स्लो मोशन है, स्लो मोशन आपको 1080p 120fps और 720p 240fps का ऑप्शन है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कैमरा में आपको मिलेगा, फ्रंट और अल्ट्रा वाइड में नहीं। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अल्ट्रा वाइड पर आपको टाइम लैप्स नहीं मिलेगा, 4K शूट करने का ऑप्शन नहीं है, फ्रंट में भी आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल व्यू मोड और टेक्स्ट स्कैनर मोड एडिशनली दिया गया है, और यहाँ पे कटआउट मोड दिया गया है। अगर आप किसी पोर्ट्रेट फोटो को क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप होल्ड करके रखोगे तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल आईफोन वाला जो फीचर आता है कि होल्ड करने पे आप कहीं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर 4K 30fps का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलने वाला है, आपको
स्टेबिलिटी के लिए आपको लोअर सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो है कि आपको अगर शैडोज वाले पार्ट में आप देखोगे अगेंस्ट द लाइट वाले वीडियोस में, तो आपको शैडोज वाले पार्ट में नॉइज़ भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है, लेकिन डिटेलिंग बहुत बढ़िया कैप्चर करता है। लो लाइट में भी अगर आप 4K वीडियोस लेते हो तो अच्छा डिटेलिंग कैप्चर करता है। एक्सपोजर बस अगर देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सपोज करने के चक्कर में रहता है। अगर पेड़ वेड़ का डिटेल्स वगैरह देखोगे तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा ब्राइट करने के चक्कर में ज़्यादा है। शॉप के डिटेल्स वगैरह में देखोगे तो ब्राइट करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपको 1080p 60fps पे OIS EIS दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन ही है, उसके लिए आप सुपर स्टडी मोड वैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक ठाक आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है। कलर्स जो है थोड़ा सा बूस्ट करता हुआ आपको दिखेगा। एक और चीज़ था कि अगर आप फेस पे देखोगे धूप आ रहा है तो भी हमको कहीं पे फेस ओवर एक्सपोज करता हुआ नहीं दिखा। टी शर्ट का डिटेलिंग ठीक मेंटेन करता हुआ दिखा। डे टाइम ही अच्छा लगा, लो लाइट में बस थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था 4K वीडियो में। और अगर आप अगेंस्ट द लाइट वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो, डायनेमिक रेंज अगर देखोगे, फ्लेयर्स वगैरह देखोगे, तो वो भी ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है। जिस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, उस प्राइस के सेगमेंट के हिसाब से बोलेंगे कि ठीक ठाक आपको मेंटेन कर लेगा इस सेटिंग पे। तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो ये 1080p 30fps तक लिमिटेड है, और यहाँ पे कोई भी कैमरा स्विच करने का ऑप्शन किसी भी सेटिंग में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक ठाक वीडियोस निकाल लेता है। बेटर है कि अगेंस्ट द लाइट ऑफ वीडियोस वगैरह नहीं लो, नॉर्मल वीडियोस लो, अच्छा निकल जाएगा। तो ये ऑटो फोकस टेस्ट है 4K में, काफ़ी स्मूथ तरीके से और फास्ट ऑटो फोकस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ऑटो फोकस के लिए यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ये काफ़ी फास्ट है, ये काफ़ी फास्ट है। तो इसका फ्रंट कैमरा है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, कोई स्टेबलाइजेशन इसमें ऑन नहीं रहता। 1080p 30fps का है, कोई 60fps नहीं, कोई 4K का सेटिंग्स नहीं है। और अगर आप फेस पे देखोगे तो ओवर एक्सपोज होता हुआ क्लियरली दिख जाएगा। एक्सपोजर हैंडलिंग उतना बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ये थोड़ा सा क्रॉप करता है एंड उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड वीडियो दे देगा। अगेंस्ट द लाइट उतना बढ़िया नहीं है, HDR वगैरह सेटिंग्स वगैरह मतलब ऐसा कुछ मेजर मिलता नहीं है। नॉर्मल सही आपको वीडियो मिलेगा, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं मिलेगा। एक चीज़ अच्छा है कि आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, उसका ये सिलेक्शन बढ़िया है स्टेबिलिटी के साथ। और ड्यूअल व्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें फ्रंट और रियर एक साथ दोनों कैमराज ऑन रहता है, तो ये भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। तो ये इस फ़ोन का लो लाइट में फ्रंट कैमरा का वीडियो है, और अभी तक जितना भी हम टेस्ट किए हैं यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोन्स को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। इस जगह पे हम टेस्ट करते हैं तो एक आइडिया मिल चुका है कि हाँ कैसा क्या मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है। ये बोलेंगे कि नॉइज़ लेवल थोड़ा सा कम है बट ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है। इस सेगमेंट के और भी फ़ोन्स हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इस जगह पर और बेटर परफॉर्म करता है। तो लो लाइट में यही बोल सकते हैं कि फ्रंट कैमरा जो है कुछ यूज़ेबल ही बस वीडियो दे पाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आप। क्योंकि अगेंस्ट द लाइट भी आप देखो कि अगर पीछे से पूरा अगर लाइट अगर ब्लोन कर रहा है तो भी कुछ स्ट्रगल ही करता है। फ्रंट से अगर थोड़ा सा लाइट आ भी रहा है फेस पे तो भी स्ट्रगल करता है। वैसे आप इसका डिस्प्ले का जो लाइट है वो आप ऑन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा डिस्प्ले और उसके बाद आप शॉट्स वगैरह ले सकते हो। ऑफ करने के बाद कुछ इस तरीके का वीडियो आता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रियर से आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और ये अच्छा बात ये है कि 1080p 30fps पर रिकॉर्ड करता है, और ऑडियो जो है अगर आप पीछे से बोलते हो तो कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है फ़ोन का, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक है। और स्लो मोशन का क्वालिटी भी हमको बढ़िया ही लगा, वो उतना अच्छा डिटेलिंग नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको मिल जाएगा स्लो मोशन भी। तो यहाँ पे अगर एंड में बैटरी का बात करेंगे तो हम लोगों ने टेस्ट किया था, हेवी ब्राइटनेस पे यूज़ हुआ है ये फ़ोन। 1 hour 42 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम है, कैमरा नेटफ्लिक्स यूट्यूब थोड़ा बहुत चलाया है, 80% बैटरी है। तो आपको बैटरी में इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देने वाला है। तो ओवरऑल अगर सारा कुछ देखने के बाद बोलें तो ये एक नीट एंड क्लीन सा फ़ोन है। एवरीडे लाइफ में मतलब कि जिनको फ़ोन वगैरह यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा कैमरा का हेवी यूज़ नहीं है। और नॉर्मली आप यूज़ करते हो 2-4 दिन में 1-2 बार कैमराज वगैरह से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो, तो उनके लिए फ़ोन है। बहुत ज़्यादा वीडियो के लिए फ़ोन फोकस नहीं किया गया है, मतलब एक फ़ोन में आपको बोलते हैं ना कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिला दिया गया है, कुछ इस तरीके का फ़ोन है आजकल इस सेगमेंट में। 20-25 हज़ार के सेगमेंट में जो कुछ इसी तरह का फ़ोन आ रहा है, आप बताओ कमेंट करके कि किसके साथ कंपेयर करना है। वैसे तो ये बोल सकते हैं कि ये फ़ोन गर्दा उड़ाता है, अब भी गर्दा उड़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।